काली धौली सुवर्ण जयंती ता पूर्व राजधानी रे शांति शोभायात्रा करिछंती बौद्ध साधु संत राजभवन रु धौली पर्यंत होइतेबा ए शोभायात्रा रे शामिल होइतिले देश विदेश शताधिक बौद्ध साधु सुवर्ण जयंती पई नुआ रूप रे सजै होइछि पीस पागोडा। हातरे हैंड ड्रम मंत्र उच्चारण सह पादरे पाद मिसाई चालिछंती बौद्ध साधु संत धौली सुवर्ण जयंती उत्सव पूर्वर राजधानी में शांति शोभायात्रा जो सामिल होते देश विदेश आसीथिबा शताधिक बौद्ध साधु संत राजभवन निकट स्वतंत्र सर्किट हाउस शोभायात्रा बाहरी धौली पर्यंत जाइथिला। धौली में पहुंचा पर शांति प्रार्थना करते बौद्ध सन्यासी एवं धर्मगुरु अशोक शिलालिपि परिदर्शन करने विश्व को शांति वार्ता बांटी शांति स्तूप विश्व शांति स्तूप गोटे पीस वाक कर गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन अवसर रे पूरा वर्ल्ड को मेसेज देवा चाहते वी नीड पीस यही जरिया समस्ते मतलब जानपरिवे केमती उद्देश्य रही। अभी ये जगह बहुत ही खूबसूरत बना है, स्पेशली ये जो स्तूप बना है वो बहुत ही खूबसूरत है। पीस अलग सा मिल रहा है और काफ़ी फॉरेनर्स या बुद्धिस्ट मॉन्क्स भी आए हैं यहाँ पर प्रेयर के लिए, तो एक अलग ही पीस सा माहौल है। शुक्रवार धौली सुवर्ण जयंती सजी हुई पीस पागोड़ा अनेक उन्नतिमूलक कार्य हो पूजा पाठ मंत्र उच्चारण संग को शांति प्रार्थना रे प्रकंपित हेब धौली पहाड़। सुवर्ण जयंती उत्सव में मुख्य अतिथि भाव जोगदे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक गुरुवार स्थानीय विधायक तथा मंत्री अशोक पंडा जिलापाल प्रमुख धौली परिदर्शन करने उन्नतिमूलक काम तदारख कर प्रार्थना सभा हम एवं सन्यासी मैंने जापान अन्न देश आसी से संपर्क तालिका अच्छी आम बहुत खुशी से गोटे कथा ओडिशा एवं भारत समग्र विश्व रे यही स्तूपटी दर्शनीय स्थान पर्यटन स्थली एवं निश्चित भाव शांति और अहिंसार बार्ता प्रचार पाई यार भूमिका जथेष रही। एज पर डिस्कशन जो भी थिले पूरा प्रिपरेशन होती काली 28 अक्टोबर 50th ईयर ऑफ सेलिब्रेशन धौली शांति स्तूप से पूरा अरेंजमेंट चली एंड लाइक एंटायर धौली शांति स्तूप रिपेयर रेनोवेशन काम जो अच्छे से सरी गला फ्लोरिंग एंड जो काम थे सेटा भी सरी गला लाइट एंड साउंड शो जो दैट्स आल्सो रेडी। सुवर्ण जयंती उत्सव पर शुक्रवार सकाळ 7:00 दिन 2:00 पर्यंत धौली शांति स्तूप को पर्यटक को जीवा उपरे कटकणा लगाई जाय छी। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन लक्ष्मीनारायण आलोक प्रधान रिपोर्ट न्यूज 7।